H&H डिस्ट्रीब्यूटर, UTL वॉल्टेक पावर के अधिकृत थोक विक्रेता, अन्य घरेलू इन्वर्टर बैटरियों पर भी फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं। H&H डिस्ट्रीब्यूटर, 221 झोकनबाग क्रिश्चियन हॉस्पिटल गेट के सामने, झांसी। लोकसभा चुनाव को देखते हुए चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए संपूर्ण जिले में अपराधियों की धरपकड़ हेतु पुलिस अधीक्षक व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। कल उप निरीक्षक हिमांशु, आरक्षक यशवंत यादव, अवनीश आदि वानपुर नाका पर वाहन चेकिंग कर रहे थे, तभी एक मारुति 800 गाड़ी आई, जिसे रोकने पर गाड़ी में सवार वानपुर दरवाजा निवासी सौरभ जोशी की तलाशी लेने पर उसके पास से एक देशी कट्टा व जिंदा कारतूस मिले, जिसे चेकिंग कर रही टीम ने तत्काल गिरफ्तार कर लिया। सर बताएं, आज जो कार्रवाई की गई इस अपराधी पर, किस धारा में की गई? वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश अनुसार अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग टीम गठित की गई, जिसमें सौरभ जोशी है उसको कट्टा के साथ और रानी के साथ पकड़ा गया है बानपुर ट्रैक पर, एवं कलुआ पठागाम का है, कलुआ को पकड़ा गया है 90 लीटर दारू में, एवं अन्य कार्रवाइयाँ भी की गई हैं, संपत्ति निरूपण अधिनियम की कार्रवाई है, वाहन चेकिंग भी जारी है और जो भी अभियान चल रहे हैं सारी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। सौरभ जोशी पर 25 व 27 आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार कर कार्यवाही की गई। आशंका जताई जा रही है कि अगर पुलिस उसे समय पर गिरफ्तार नहीं करती तो आरोपी किसी वारदात को अंजाम दे सकता था। टीकमगढ़ से जमील खान की रिपोर्ट, बुंदेलखंड टुडे, झांसी।